हेलो, वेलकम टू कॉफी विद डॉक्टर सोनल। आज के एपिसोड के हमारे जो मेहमान हैं बहुत बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि आम में से जो बेहतर बन जाते हैं और खुद की जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं और अनोइंगली बाकियों की के लिए एक उदाहरण और या मिसाल बन जाते हैं, वैसे ही है आज के हमारे एक गेस्ट। नमस्कार सतनाम जी। नमस्ते मैडम। पहले तो आपका नाम, उम्र और आप कहाँ रहते हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सतनाम कौर अरनेजा है, मैं चास कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1969 है। सतनाम जी, हाँ जी, आप हमारे पास आए। हाँ जी, हमारा डाइट क्लिनिक है, सब जानते हैं। सतनाम जी हमारे पास मई में आए थे। सतनाम जी, क्यों आपको लगा कि वजन कम करना चाहिए? मैं खुद चाहती थी कि मैं अपना वजन कम करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होते जा रहा था, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था, थायराइड के कारण और ज़्यादा हो गया था। ऐसे था तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी मुझे चलने फिरने में। इसलिए मैंने कहा मैं वजन कम करना। बच्चे बोलते चलो हम आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास, वो बहुत अच्छे हैं, वो आपका इलाज कर देंगे, अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा, तो थायराइड कितने सालों से है आपका? थायराइड कम से कम 6-7 साल से ऊपर ही हो गया है। अच्छा, हाँ जी। और घुटनों का भी दर्द था, जब मुझे याद है जब आप आए थे के साथ, रजवन जी इनकी बहू है और इनके साथ वो आए थे और उस टाइम पे उनको आना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उस टाइम पे नी का भी प्रॉब्लम था आपको, पेन था चलने में, आप चल नहीं पाते थे। हाँ, वो तो पैरों के घुटनों का ऑपरेशन किया तुरंत ही, तो एकदम से चालू किया हम लोगों ने। घुटने का ऑपरेशन हो गया तो अब इतने नॉर्मल चल लेती हूँ, बहुत आराम से चलती हूँ। अब ऐसा लगता है जैसे बहुत एक्सरसाइज वगैरह हो गई है, एक स्टैंड में ऐसा और चलते रहूँ और कुछ नहीं ऐसा लगता अभी। सतनाम जी, आप नागपुर से ही हो कि नागपुर के बाहर, मैंने आपका बचपन या आपके? मैं यूपी शहर की हूँ, ऐसे तो मेन कानपुर शहर के पास पड़ता, वहीं पर एक गांव था छोटा सा, मैं वहाँ की हूँ। नागपुर में कैसे आए? नागपुर में मेरा बड़ा भाई रहते थे, इसलिए हम उनके साथ आए हम लोग यहाँ पे। अच्छा, और आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, बहू है, जवाई है, बच्चे हैं दोनों। और आपको तो अभी नाती पोती भी हो गए? हाँ जी। कितना वजन कम किया आपने? मैं 94 था, अभी कम से कम 67-69 तक है, 68 तक है। क्या क्या किया आपने वजन कम करने के लिए? क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, कैसे किया आपने? ये मैंने मीठा तो बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल। कोई बोले ये खा दो, मैं बोलती मेरे को नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक लेते थे जानबूझ के मेरे सामने कि मम्मी ये खाओ, मम्मी केक खाओ, पर मैं बोलती नहीं खाना, मैं चॉकलेट कुछ ना कुछ देते थे मेरे को, पर मैं बोलती मैं नहीं खाना। तो किस तरह की चीज़ें खाते थे आप फिर? मैं जैसे दाल उबली खानी, सलाद खाना, तो उसमें दही डाल के खाना, नमक और चाट मसाला डाल के खाना। बाकी कोई सब्जी वाली चीज़ें तो बहुत ही कम ही नहीं के बराबर खाती थी, सिर्फ ऑयल तो बिल्कुल नहीं के बराबर होता था, बाकी सब मैं कर लेती थी ऐसा। हाँ, और कैसा लगता है अभी जब आप जाते हो, 94 से आपने शुरुआत की थी, अभी 67 यानी बहुत बड़ा वजन कम किया है आपने और बहुत जल्दी जल्दी आपने ये वजन कम किया। वजन बहुत लोग कम करते हैं, लेकिन सतनाम जी की खास बात यह है कि सतनाम जी ने बहुत कम टाइम पे वजन कम किया। और एक एज के बाद लोग बोलते हैं कि अब मुझे क्या करना है वजन कम करके, या बोलते हैं कि अभी तो वजन कम नहीं होगा। तो सतनाम जी का इंटरव्यू हमने स्पेशली इसीलिए किया है, वो जो सब फीमेल्स देख रही है सतनाम जी की एज की, जिनके नाती पोती हो गए हैं, और अगर सतनाम जी वजन कम कर सकते हैं तो आप सभी लोग वजन कम कर सकते हैं। वजन कम करना ये फिटनेस की तरफ लेके जाता है, जैसे कि सतनाम जी ने हमें बोला कि अभी मुझे बहुत एनर्जेटिक लगता है, मैं काम करने की इच्छा होती है, तो एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है, इसीलिए आपने वजन कम करना चाहिए। और सतनाम जी को स्पेशली मैं इसीलिए इंटरव्यू कर रही हूँ कि वो खास है। सतनाम जी, और कितना वजन कम करने का आपने सोचा है? मैं 60 से भी कम और करना चाहती हूँ।
ये बहुत, और थायराइड की कितने की मेडिसिन स्टार्ट है अभी आपकी? 88 की। 88 की थायराइड चेक किया उसके बाद आपने? हाँ, दो तीन बार किया चेक, तो वो नॉर्मल ही चल रहा है? हाँ अब है? नॉर्मल चला, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अभी तो इतना तकलीफ नहीं होती है, पहले बहुत डर लगता था, कई बार मैं बेहोश हो जाती थी थायराइड के कारण, अब कुछ नहीं ऐसा होता। अच्छा, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको इसमें से हाँ जी, मिले हैं। तो सतनाम जी, आप जाते नहीं हो यूपी साइड में? बड़ा अच्छा मौसम रहता है, अभी कोई रहता है उधर की? मेरी सिस्टर रहती ना कानपुर में, रहती मेरी सिस्टर रहती है, तो आप जाते हैं उनके घर पे? दो तीन बार गई हूँ मैं। अच्छा, ये पूरा आपका जो जीवन का दौर था, इसमें आपके हस्बैंड शायद बिजनेस करते थे, हाँ जी। तो आप घर संभालते थे, बच्चों को संभालना, घर संभालना, और यूपी से नागपुर में आके यहाँ एडजस्ट होना, इसमें कितनी तकलीफ आपको गई? उस समय तो हमको लगता ही नहीं था कि हम नागपुर में रह पे ही पाएंगे, क्योंकि हम लोग को लगता था हम वहीं पे जाना, हमको यूपी में ही जाना। पर धीरे 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 एडजस्ट होते गए, स्कूल में जाना, फिर फ्रेंड्स बन गए, इसका के जाना ना और अच्छा लगने लगा। अब धीरे धीरे तो अब और ही हो गया इतना। मेरे हस्बैंड बहुत सब सही है, मेरी बहुत तारीफ करते हैं, बोलते तू सबसे अच्छी है जो हर बात में आगे होती है, ये करना है तो यही करना और कुछ नहीं करना है। सतनाम जी बहुत प्यारी है, सबको लेके चलती है। अभी सतनाम जी ने जब वेट लॉस किया है, तो बहुत सारे लोग उनको पूछते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कह रहे हैं वो जो हमारी चाची है या हमारी बुआ है, उन्होंने वजन कम किया है, हमको उन्होंने बोला है वो। और मैं भी उनको बोलती हूँ कि उनकी तरफ देखिए, क्योंकि बड़ा तगड़ा माइंडसेट लगता है, यहाँ से है ना, यहाँ से सोचना पड़ता है हमको। तो आपको आप बहुत डेडिकेटेड, आप बहुत फॉर्म हो, आपके जो डिसीजन मेकिंग है, पता नहीं आपको किसी ने बताया है कि नहीं, कि आप जो ठान लेते हो वही आप करते हो, ये शुरुआत से आपका स्वभाव वैसे ही रहा है कि? नहीं, शुरू से मैं ऐसी ही हूँ, मैं कभी नहीं, सब लोग बोलते एक चाची है जो सबके तब ध्यान देती है, हंसती रहती है, और कुछ बोलो से कभी बुरा भी नहीं मानती है, ऐसा कुछ नहीं बोलती, चाची बहुत हंसमुख है। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल है। तो और एक चीज, अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। हंसना है, सबके साथ मिलके रहना है, एक्सरसाइज डाइट तो सब करते हैं, लेकिन ये चीज बहुमूल्य जो हमको एडवाइस मिला है आज, की सबसे मिलजुल के रहिए, फैमिली को बांध के रखिए, तो इसीलिए बहुत खास व्यक्तित्व होते हैं जो आम तरीके से हमारे जिंदगी में रहते, लेकिन घुल मिल जाते, हमको पता नहीं चलता है। जब कुछ चीज बदल जाती है, तब हमें उनकी जो अहमियत है वो समझ में आती है, और मुझे जैसे उनकी अहमियत समझ में आई है, उनके घर में भी सभी लोग जैसे वो बोल रहे हैं, तो उनकी बहुत अहमियत है। मेन तो मेरी सास की है, वो बहुत मेरा बहुत लाड़ करते तो आप अभी है थे। नहीं कि? नहीं वो तो बेचारे गुजर गए, पर मेरी बहुत थे, मेरी बहुत केयर करते थे। कुछ भी होता था, चल सतना हम यहाँ जाएंगे, चल वहाँ जाएंगे, वो मेरे बहुत अच्छे आप भी तो बहुत अच्छी साथी थे। है, आपकी बहू आपको सब जगह लेके जाती है और हाँ आप वो, उनके साथ जाते हाँ हैं। वो तो है। और एक बात मैं सतनाम जी के बारे में बताऊंगी, अब सतनाम जी को पोता हुआ है 6-7 महीने पहले, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत, जब फॉलो अप में लिया करती थी सतनाम जी के साथ, मैं बहुत कनेक्टेड थी, तो सतनाम जी का मुझे कॉल आया, मैम मुझे ना पोता हुआ है और हम प्रोसेस में थे है वेट लॉस के, तो आई सेड कि सतनाम जी एक भी मिठाई आपको नहीं खानी है, और उन्होंने नहीं खाई, नहीं खाई हमको भी नहीं खिलाई बिल्कुल। वैसे, तो वो ड्यू है, लेकिन बहुत डेडिकेशन और कंटिन्यूएशन की प्रोसेस रहती है वेट लॉस की, बहुत इरिटेटिंग, हम चिढ़ जाते हैं कि नहीं क्या खा रहे हैं, उबला खा रहे हैं क्या, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, और जो हम डाइट उनको भेजते थे वो करते थे। तो ये डेडिकेशन बहुत जरूरी रहता है कोई भी चीज में, जब हमको सक्सेसफुल होना रहता है, तो वो चीज सतनाम जी में बहुत है, और बहुत कनेक्ट हो जाती है, जैसे उन्होंने बोला कि वो बहुत फेमस है अपने घर में, तो हमको भी बहुत दिल के पास लगते हैं, और इसीलिए जब मुझे लगा कि एक ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए जो अलग है, एक खास महिला जो हमको बहुत आम लगती है, हमारे सब सबके घर में नानी चाची दादी रहती है,
हमको बड़ा अच्छा लगता है या हमको उनका इम्पोर्टेंस उतना नहीं समझ में आता, लेकिन वो रहते बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम ये इंटरव्यू पे जाते हैं। सद्दाम जी कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ आपको और क्या करना है, कुछ सपने हैं, सपने छोटे छोटे हो बड़े हो सबके रहते हैं, तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ क्योंकि हम लोग गुरुद्वारे में जाएं, वहां पे थोड़ा घूम फिर के आए। गुरुद्वारा यानी अमृतसर हो गया, पटना साहिब हो गया, और पंजाब के साइड में हो गया, उस साइड के जाना चाहती हूँ। तो गुरुद्वारा तो नागपुर में भी बहुत सारे वो हैं, वहां के मेन माने जाते, तख्त साहिब उस बोलते हैं उसको हम लोग। तो आप कभी नहीं गए वहां? नहीं, अमृतसर जा चुकी हूँ, फिर भी एक दो बार और इच्छा है जाने की। अच्छा, अभी तो आपका वेट लॉस हो गया, पैर अच्छे हो गए, आप तो दौड़ दौड़ के भी जा हाँ सकते हाँ वो तो हैं। है। बिल्कुल जाइए। और कुछ बच्चों को या किसी को मैसेज देना है, कुछ आपको हमारे दर्शकों को बताना है कि आपने किस तरह की आपकी जर्नी रही, आपको क्या कुछ बताना है आपको? ये मेरे मैडम ने जो भी किया, मैडम मेरे बच्चे हैं, बच्चों ने बहुत मेरी हेल्प की है कि बच्चे बोलते नहीं मम्मी ये कर लो तो बहुत अच्छा है। दोनों बच्चे मेरे बहुत सच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, चाहे उधर मेरी बेटियाँ चाहे बहू बहू बच्चे, दोनों बेटे बेटे बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत ध्यान रखते मेरा। इतना मैं जानती नहीं थी कि इतना बच्चे करेंगे, पर मेरे बहुत ध्यान रखते, मम्मी पापा के दोनों का बहुत ध्यान रखते बच्चे। फैमिली मैटर करता है। हाँ सतनाम जी, हमको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि हमको क्या सुधार लाना है या आपको क्या लगा हमारे बारे नहीं में? बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारी मेरी बहुत हेल्प की, जिससे मैं बहुत बहुत चलना हो गया मेरा। नहीं तो मैं को उम्मीद नहीं थी कि मैं अपना वेट लॉस्ट कर भी पाऊंगी, इतना कभी नहीं लगता था मुझे। बहुत सही हुआ आपने किया, जो कुछ किया आपके कारण मैं सब ठीक हो पाई हूँ। नहीं, हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? ये बच्चों ने व्हाट्सएप में देखा सर, उसके कारण पता चला था, वैसे पता नहीं था हमको, उसके जरिए पता चला। गूगल या इन हाँ सोशल इसी मीडिया जगह, से? बिल्कुल। इसी जगह। सतनाम जी के ड्रीम्स भी इतने सुंदर है, तो हम हमेशा बोलते जो है हमारे सब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको पता है कि छोटे छोटे ड्रीम्स रखिए, छोटे छोटे टारगेट्स रखिए जो कि हम अचीव कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा छोटा सा टारगेट है कि हमको अमृतसर जाना है या हमारा, और एक स्पिरिचुअल जर्नी रहती है। सबको अच्छा कहो, सबके साथ अच्छा रहो, स्माइल करते रहो, और ये सब का जो एक कंक्लूजन निकलता है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्थ जरूरी है, उसके साथ अच्छा देना और अच्छा लेना यह भी बहुत महत्व रखता है। तो बहुत फैमिली वुमेन है, पिलर ऑफ द फैमिली है सतनाम जी, सबको लेके चलती है, और अपने बच्चों से, अपने सब घर वालों से, अपने बहू से, बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो आपके जितने भी बच्चे और सब लोग देखेंगे तो उनको मैं कहूँगी कि आप ब्लेस्ड हो कि इनके जैसे माता पिता का साया जो है या छत जो है आपके ऊपर बना हुआ है, और ऐसे ही माँ बाप और हर एक को ऐसा ही एक पिलर मिले घर में जो सबको समेट के रखे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सतनाम जी, थैंक आप यू हमारे शो पे मैडम, आए थैंक और यू। हमारे शो की शोभा बढ़ाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर सोनल कोर्टेज कॉफी विद डॉक्टर सोनल।